जय गुरुदेव। मेरी साधना परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा हस्तलिखित डायरी। प्रथम गुरु कृपा मेरी साधना। प्रथम गुरु बिना कुछ ज्ञान न होगा। गुरु खोजना अत्यंत जरूरी है। पूरे गुरु को खोजो, पूरे गुरु तुम्हारी खोज पर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अंडा मांस मछली शराब गांजा अफीम से बहुत दूर हो। प्रथम जीवन सदाचारी होना जरूरी है। दूसरा सत्य बोलने की महान जरूरत है। तीसरा किसी की चुगली न हो। चौथा सबसे प्रेम हो, किसी से घृणा न हो। पांचवा जातों के मतभेद में न हो। छठवां मंदिर मस्जिद गिरजा सब जिसकी विचारधारा में एक हो। सातवां किसी कौम जाति मजहब फिरका के फकीर संत अनुभवी पुरुष एक हो। तब परमार्थ परा विद्या का सीखने वाला विद्यार्थी होगा। अपनी साधना। गुरु के नाम भेद जानने के बाद बहुत सी शंकाएं प्रेमी को रहती हैं। वह यह सोचता है कि हमको इन्होंने ठीक बताया है या गलत। कुछ दिनों तक साधक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर शंका करता हुआ चलता है। इस कारण गुरु की दया लेने में साधक असफल रहता है। मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया वह सन 1945 था। महीना कार्तिक था। चिरौली अलीगढ़ जिले में है। वहां उन्होंने मुझे उपदेश दिया। मैं जब साधना में लगा उस समय अनेक प्रकार की बाधाएं मनुष्य के सामने आकर खड़ी होती हैं। उसका जिक्र नीचे करता हूं। जब आंखें बंद करता हूं उसी समय के ख्याल उठते हैं। वही ख्याल दृष्टि को टिकने नहीं देते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार आ खड़े होते हैं। परंतु मैं अपनी साधना में नियमित रूप से लगा रहा। जब यह अधिक तंग करते हैं तब मैं गुरु के स्थूल स्वरूप का चिंतन करता हूँ। उसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोह हट जाते हैं। फिर मैं नाम सुमिरन में लगता हूँ। जहाँ तक होता है एक नाम के साथ स्वरूप का चिंतन करता हूँ। इस तरह पांच नाम और स्वरूपों को पकाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में नाम स्वरूप में हमारी रुचि बनने लगी। जब तक नाम और स्वरूप के चिंतन में रुचि बनी रहती थी तब तक कोई अंग विघ्न कारक मुझे तंग नहीं करते थे। जैसे ही रुचि नाम और अंतर के स्थानीय स्वरूपों से हटी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तंग करने लगे और सुमिरन ध्यान नहीं करने देते हैं। मैं एक माह तक लगातार नाम और स्थानीय स्वरूपों को पकाने में लगा रहा। 24 घंटों में मैंने 18 घंटे केवल साधना में ही लगाए और ये साधना का क्रम 31 दिन तक लगातार चलता रहा। इतना समय देने पर भी मुझे कुछ अंदर में आभास न मालूम हुआ। तब अंदर में इतनी भारी आत्मग्लानी हुई कि मैं इतना महापापी हूँ और साधना छोड़ दी। दिन भर रात भर पड़ा पड़ा रोने लगा। भूख प्यास सी खत्म हो गई परंतु इस रोने को कोई देख नहीं सकता है। एकाएक 3 दिन के बाद यह अंतर में प्रेरणा हुई कि तुम उठकर साधन पर बैठ जाओ। मैं रात्रि 1 बजे साधन पर बैठा। उसी समय अंदर में मालूम हुआ कि बहुत सी चिड़िया चहचहा रही हैं। कुछ झिंगूर बोल रहा है। झरने से जैसे पानी झरता हो, जंगल में जैसे तेज वायु चल रही हो, रेलगाड़ी जैसे सीटी सुनाई दी। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि पायल की आवाज हो रही है। झांझ बज रहा, मंजीरा बज रहा। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि जोर की वर्षा हो रही। फिर मालूम हुआ कि बादल गरज रहे हैं। जब बादलों की गरज सुनाई दी उसी समय आनंद मालूम हुआ। मैं उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मुझे आवाज घंटा शंख की साफ सुनाई दी। आकाश में लगातार घनन घन घनन घन बज रहा है। फिर एकाएक मालूम हुआ कि बहुत से बाजे एक साथ लगातार बज रहे हैं। उसी समय कोंदा हुआ, जैसे लप लप रोशनी कहीं से हो रही है। 4 घंटों में यह सब मालूम हुआ। उस दिन मुझे यह विश्वास हुआ कि गुरु के नामदान का यह फल है और उन्होंने कहा था तुम इसकी कमाई करो, इसका फल अवश्य प्रकट होगा।
गुरु को सिर से उतारना नहीं। मैं हमेशा गुरु को स्मरण करता रहता था। फिर रात्रि आई और भजन करने बैठा। उसी तरह सुरीली आवाज़ें सुनाई देती रहीं, कभी बढ़ती हैं कभी कम मालूम होती हैं। उसी बीच में ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कोई ऊपर की तरफ खींचता है। डर सा मालूम हुआ, शायद मैं मर न जाऊं, और भजन छोड़कर ध्यान पर बैठ गया तो आंख के एकाग्र ही एक गोलाकार सामने आ गया। चारों तरफ सफ़ेद है और बीच में नीला है, कभी टिक जाता और कभी गायब हो जाता है। तीसरे दिन भजन करते हुए मालूम हुआ कि जैसे कोई कहता है कि तुम फौरन हमारे पास चले आओ। बोली गुरु महाराज की थी। मैं फौरन सुबह रवाना होकर गुरु दर्शन के हेतु चल पड़ा। एक दिन में जब मैं गांव में पहुंचा, देखा कि गुरुजी एक चौतरे पर गाय के पास बैठे हैं। मैंने अपना झोला फेंक दिया और दौड़कर चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी जी ने मीठे स्वर में कहा कि कुछ आँखें तर मालूम होती हैं और पतले बहुत हो गए, और कुछ कमाई करके आए हो, दरबार में कमाई करके खड़े होना चाहिए। रात्रि में स्वामी जी के सत्संग में ऊंचे दर्जे की चढ़ाई का भेद और अंदरूनी मुकामात का भेद सुनाया। सत्संग सुनकर हृदय में बहुत बड़ी खुशी हुई। रात्रि को साधन पर बैठा, मालूम हुआ कि एक सीधी सड़क है, उसके दाएं बाएं कतार के कतार वृक्ष खड़े हैं और इन वृक्षों में खुशबू आती है, हरी घास का जंगल है। फिर मालूम हुआ कि एक गोलाकार प्रकाश का बंधा हुआ नाच रहा है। कभी कभी ऐसा जरूर मालूम होता रहता था कि एक बादल का टुकड़ा उसके सामने ठहरा हुआ। एकाएक आवाज़ मालूम हुई कि तुम्हारी सूरत पर गंदगी है, गोलाकार के सामने कुछ नहीं है। मुझे मालूम होता था कि स्वामी जी कह रहे हैं। उसके चारों तरफ प्रकाश आ गया और एक बहुत बड़ा मंडप बन गया। कभी बढ़ता कभी घटता और कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। उस गोलाकार के देखने पर ऐसा अक्सर मालूम होता था कि जैसे नशा चढ़ रहा है। कितने दिनों के बाद यह पर्दा हट गया और उसी गोलाकार चरण कमलों में प्रकाश, खुशबू, आनंद, सुंदरता, उसमें देखने पर बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने इन्हीं नक्ष चरण कमलों का वर्णन किया है। इन्हीं के स्मरण करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है। उन्हीं चरण कमलों में दृष्टि को एकाग्र करने पर प्रकाश बहुत है। एकाएक शिव नेत्र दृष्टि ठहरती नहीं है। मैं इसके आगे का क्या वर्णन करूं जो दिखाई देना प्रारंभ हुआ। इस शिव नेत्र आँख के खुलते ही शक्तियों के पर्दे खुल गए। तरह तरह की स्त्रियां अनोखे आभूषण को पहनकर तथा पूरा श्रृंगार करती हुई साधक के सामने आती और जाती हैं। एक से एक सुंदर नए नए वस्त्रों को पहने हुए अनेक कलाओं से नाच करती हुई अपनी आँखों को मारती हुई आव और भाव इस कदर करती हैं कि साधक सब कुछ आनंद की चेष्टा करता है। और भी बहुत से खेल आँख के खुलने पर दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं चरण कमलों के ऊपर शिवनेत्र के टिकाते ही रिद्धि सिद्धि नौ निधियाँ प्रकट अपने अपने थालों को लेकर खड़ी होती। उन रिद्धि सिद्धि के स्वरूप भी विचित्र हैं। थालियों में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और यह कहती कि तुम इस थाल में से सब कुछ ले लो, हम सब कुछ देंगे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। उन्हीं के सामने से एक झुंड अचानक में नृत्य करता हुआ हजारों लाखों अप्सराओं का निकलता है। इतनी इच्छा होती है उन स्त्रियों को देखकर कि इन्हीं के साथ हमेशा रहें और न हम इनको छोड़ें और न यह मुझे छोड़ें। साधक प्रफुल्लित होता है। सब सामग्री के थाल सजे धजे हैं। सब थालों की चमक अलग अलग है। उन थालों की सामग्रियां दिल को पकड़ती हैं। जब मेरा मन उसमें रमने लगा कि एक आवाज़ कहीं से आई कि क्या करते हो, आगे जाना है। उस आवाज़ को सुनते ही वह सीन क्षण में गायब हो गया।
दिन में देखता हूँ कि बहुत से मकान, बगीचे, बच्चे, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पहाड़, सड़कें और भी बहुत दृश्य नजर आता है। सुगंधी बहुत है। ऐसा स्पष्ट मालूम होता है कि हम नए जगत में आ गए, जहाँ न बच्चे, स्त्री, लड़ाई, नौकरी, भाई बंधु, राजपाट और दुख सुख, संसारी लो मात्र नहीं है। यह सीन स्वर्ग का है, जो गुरु कृपा पर पूर्ण आधारित है। बिना कृपा के यह न पा सकेगा, चाहे कितने युग बीत जाएं। मैं और हाल क्या कहूँ, जो वहाँ खेल हो रहा है, साधक इससे आगे बिना गुरु कृपा के कैसे जाएगा? जब तक गुरु उस दर्पण पर दृष्टि लगाए रहते हैं, तब तक यह दिखाई देता है, और जब वह वहाँ से हटा देते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने शिव नेत्र पाने पर गुरु कृपा से यह अनुभव किया कि जरा भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन साधक ने किया कि वह वहाँ से गिरा। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो खड़ी हैं, वह इसलिए खड़ी हैं कि साधक गुरु आज्ञा का उल्लंघन करे, कि मैं इसे गिरा दूँ। दीनता पूरी धारण तथा गुरु चरणों का आशिक उभरेगा, और किसी की गुंजाइश नहीं है जो वहाँ 1 मिनट ठहरे। मैंने खुद जब जब यह दृश्य देखे कि मेरा मन खराब होने को होता था कि गुरु संभाल करते थे, क्योंकि साधक कैसे रुक सकता है? वहाँ के दृश्य इस प्रकार लुभाने तथा अपनी ओर खींचने वाले हैं, कैसे नहीं खींचेगा? गुरु का बल ले तब, और गुरु वचनों को पूरा याद करता रहे। ऐसे पर्दे उतरते हैं कि गुरु सामने आकर खड़ा हो जाए। उस समय गुरु की तरफ कौन ध्यान देता है? गुरु यदि स्वर्ग में बुलावे भी, पर कौन गुरु की सुनता है? ऐसी भीषण आकर्षण स्थिति में गुरु ही दया करें, वरना साधक के सामर्थ्य के बाहर है। साधक गुरु को चिल्ला कर याद करे, गुरु वहीं अवश्य मिलेंगे। स्वर्ग लोक में और भी तमाशे होते हैं। उसी चरण कमलों में होकर ऐसी डरावनी शक्लें दिखाई देती हैं। मैं जब उधर गया तो मुझे इतनी घोर बदबू आई, उसकी पीड़ा असहनीय है। वही जमदूत किसी को पकड़ते हुए लिए जा रहे हैं, साथ मारपीट, पटकते हुए, डांट फटकार लगाते हुए ले जाते हैं। जीव डरता हुआ, रोता चीखता हुआ जाता है, और धर धर कांपता जो शिवनेत्र से दिखाई देता है। यह तो मैं इशारे में हाल वर्णन करता हूँ, वहाँ बहुत कुछ बुरा हाल है, जो कहते बनता नहीं है। लोग अज्ञानी सुनकर हंसेंगे, उन खौफनाक दृश्यों को देखकर अत्यंत डर लगता है। मन और बुद्धि चाहती है कि साधन न करूं। कृष्ण भगवान ने शिवनेत्र अर्जुन का खोला था, और लिंग शरीर विराट की रचना में दोनों आंखों के ऊपरी भाग पर दिखाया था। जिसको देखकर अर्जुन भयभीत हुआ था, और कृष्ण भगवान से नम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, आप यह कौतुक बंद कर दें और अपना स्वरूप वही दिखावे। कितने दिनों के लगातार अभ्यास करते करते एकाएक भारी चक्कर लगाता हुआ गोलाकार आया। उसमें देखने पर एक सुंदर मूर्ति है, जो मुझे मालूम होता है कि विष्णु भगवान है, परंतु वह गोलाकार जो प्रथम में मिला था, जिसको चरण कमल कहते हैं, साथ है। उन्हीं में देखने पर मुझे मालूम हुआ कि एक आकाश है, जो कि सितारों से पूर्ण खिला है। बड़े सुंदर चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, और यह दृश्य बंद हो जाता है। एक दिन रात्रि में साधन के समय जमुना के किनारे मालूम हुआ कि कहीं गाने की मधुर ध्वनि एक साथ हो रही है। मालूम यह होता है कि सब स्त्रियां एक स्वर से बोल रही हैं। मेरा मन उस आवाज की तरफ खींच गया। जब मैं उस ध्वनि की तरफ एक तरफा हुआ और लय होने लगा, मुझे एक विशाल फाटक, जो पूर्ण कारीगरियों से पूर्ण है, स्त्रियों के स्वरूपों का फाटक बना हुआ है, उस फाटक पर सुंदर से सुंदर नृत्य हो रहा है। जब दृष्टि अचानक सामने गई, तो क्या देखता हूँ कि एक कतार में हजारों मीलों की दूरी में
एक रूप से नाचती हुई स्त्रियां आ रही हैं, नाना भांति की कला का विकास करती हुई। ऐसा मालूम होता है कि एक सेकंड से भी कम समय में पास आती हैं और हजारों मील एक सेकंड के अंदर चली जाती हैं। यह दृश्य वैकुंठ में नित्य होता रहता है। और बहुत से खेल वैकुंठ में नित्य लुभाने वाले होते हैं। साधक अपने पद से गिरने के लिए पूर्ण तैयार रहता। अप्सराओं का नाच विशाल आकर्षण रूप में होता है, जिसे देख साधक जब पूर्ण आसिक हो जाता है तब वह दृश्य अप्सराओं का बंद होता है। साधक उसके देखने के लिए तड़पता है, जिस तरह बच्चे के जाने पर माँ तड़पती है। हर वक्त इच्छा रहती है। साधक का मन माया कृत्य सामानों में जब लगता है, जब वह कृत्य अप्सराओं का देखने का नहीं मिलता है। मैंने अपने मन माया कृत्य देखकर गुरु से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी आप अपनी दया करें, मुझे आगे चलकर साधना में बहुत विघ्न आए। जिन विघ्नों को गुरु द्वारा ही तय किया जा सकता है, पूरी गुरु कृपा का सहारा साधक को लेना होगा और हर वक्त गुरु से डरना होगा। यह दृश्य विघ्न के आपको स्वर्ग लोक के सुनाए हैं, जो कि शिवनेत्र खोलने पर अक्सर साधक को दिखाई देते हैं। स्वर्ग लोक की अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता की उपमा का यहाँ कुछ भी प्रमाण सूचक शब्द नहीं है। स्वर्ग लोक में शरीर अप्सराओं का लिंग है, जो 17 तत्वों का है, 10 इंद्रियां, 4 अंतकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण। स्वर्गलोक और वैकुंठ धाम में सुंदर मकान, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, वन, पर्वत, नाले, दरिया, समुद्र, मृग, पक्षी, सिद्ध सिद्धियां, निधियां। स्वर्गलोक वैकुंठ में 14 भुवन, 14 लोक हैं। मुसलमान 14 तबक कहते हैं तथा इसी का नाम बहिस्त है। नर और नारियां लिंग शरीर में सदा नृत्य करते रहते हैं। इसी स्थान पर बच्चे भी हैं। स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक में आहार सुगंधि का है और यहाँ की भोग सृष्टि दृष्टि की है। भोग लोग दृष्टि से भोगते हैं और बच्चे भी पैदा होते हैं। लोग ऐसा न समझ बैठे कि स्वर्ग और वैकुंठ जाने के लिए कोई रॉकेट होगा। तुम्हारे अंदर शब्द है, जिसको नाम और अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। आवाज़ आँखों के ऊपरी हिस्से में हर वक्त होती रहती है। संसार के शोरगुल होने से तुम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हो। किसी एकांत स्थान पर जाओ और सुनने का तरीका गुरु से सीख लो। तुम उस आवाज़ पर सवार होना। वह खुदा की कुदरती आवाज़ है, यानी भगवान की वह सच्ची वाणी है। वह खींचने का काम करती है। सूरत उसी का एक तत्व है। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर केवल स्त्रियों का लोक है, जिसको हिंदी में माया लोक कहते हैं। इसी आद्या महाशक्ति ने रोकने के वास्ते पूरा जाल बिछा रखा है। निरंजन भगवान ने अपना पूरा आधिपत्य माया को दे रखा है, जीवों को फंसाने के लिए। सुर, नर, मुनि, ऋषि और योगी इसी सहज दल कमल के नीचे ज्योति माया के अद्भुत चमत्कारों को देखकर मोहित हो गए। इसी स्थान पर माया का सच्चा हिंडोला पड़ा है। यहाँ पहुंचकर कितने भूल गए और इसी माया ने अपने मसालों को देकर वापस भेज दिया। गले का हार बनकर सबके साथ झूल जाती है, जिसे छोड़ना साधक के लिए असंभव है। जो वहां मोहित हुआ कि जड़ माया गले बंधी। यह लोक वैकुंठ के ऊपर है। यहाँ पर सर्वस्व दाएं बाएं ऊपर नीचे स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। गुरु बिना कौन बचेगा? किस में हिम्मत है जो अपने बल से बच जावे? जैसे राज्य पाकर मद आ जाता है, उसी तरह माया का करते देखकर सब भूल जाता है। यहाँ पर सब स्त्रियां पूरा श्रृंगार करके सजी धजी हैं, जिनके लिबास देखकर साधक सब कुछ भूलकर अपने आप को उनके बीच में पहुंचकर खो जाता है।
और उनके आव भाव से यह समझ जाता है कि ये हमारी हैं, मुझे पूर्ण रूप से चाहती हैं, यहीं रहूं, इनको छोड़कर कहीं न जाऊं। और गुरु की अब ज़रूरत नहीं है, यह भय लगा रहता है कि गुरु हमारे खेल को बिगाड़ न दें। वहाँ पर यह भाव उत्पन्न रहता है कि गुरु की क्या ज़रूरत है, मुझे गुरु से कोई मतलब नहीं, और जब हमने उनसे कोई मतलब नहीं रखा तो फिर क्यों आएंगे। मैं एक रात्रि में ये करते देख रहा था, देखते देखते सब कुछ भूला और ऊपर आंखें उठाकर देखता हूँ, असंख्यों कतारें स्त्रियों की लगी हैं और विचित्र कलाओं नृत्य हो रहा है, अद्भुत कतारें बन जाती है। मैं क्या कहूँ, कुछ कहते बनता नहीं है। शक्ति लोक में यह नृत्य क्षण क्षण पर हर समय होता रहता है। साधक अपने भागों की सराहना करता है, परंतु गुरु इसे बताएगा कि शक्ति लोक का नृत्य लाभकारी है या नुकसानदेह है, परंतु साधक का अनुभव मनपसंद सुखकारी मालूम होता। इस शक्ति लोक के नाके पर ज्योति माया विराजमान है, जिसको जात मातेश्वरी कहते हैं। निरंजन देव भगवान की अर्धांगी हैं, इसी का नाम शिव शक्ति, माया और पुरुष के नीचे शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्म सावित्री, यह अलग हैं। सब लोग एक न समझ लें। मुझे यह दृश्य देखकर यह अनुभव हुआ कि गुरु की जरूरत नहीं। एकाएक गुरु जी उसी स्थान पर आ गए, खेल जो हो रहा था वह सेकंडों में खत्म हो गया। यह नृत्य खत्म होते ही गुरु के प्रति नाराजगी पैदा हुई। एक आवाज उसी स्थान पर आई कि गुरु से नाराज मत हो, गुरु सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब गुरु के पास गया तो गुरु ने चेहरा देखकर कहा कि जो तुम वहां देखते थे और खेल के बिगड़ने पर नाराज से हो, शिव नेत्र खुलने पर दिखाई देता। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है कि माया ठग लेती है और साधक के प्रेम को खत्म कर देती है। शिव नेत्र कलयुग में खुलता है, सूरत शब्द योग में शिव नेत्र खुल जाता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान नेत्र खुलने ही पर स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, ईश्वर धाम दिखाई देता है। गुरु के चरणार बिंदु स्मरण करने से दिव्य आँख हो जाती है। शिव नेत्र प्रचार करने वाले अनुभवी महात्मा बहुत कम हैं, केवल उदर पूर्ति हेतु अर्थ का प्रचार होने से और पैसे मांगने पर शिव नेत्र कोई नहीं खोल सकता है। स्त्री पुरुषों के लिए कलयुग में शिव नेत्र सूरत शब्द की साधना से खुल जाता है, ऐसा मेरा निजी विचार है, क्योंकि गुरु के पास मैं भी गया था, हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। साधक के लिए बहुत बाधाएं हैं। हर समय साधक को गुरु के सत्संग की जरूरत है। जिस तरह बच्चा माता की शरण रक्षता पलता है, उसी तरह साधक गुरु की देखरेख में साधन करेगा तब पल सकेगा। संसार में फंसना साधक के लिए बहुत सुगम है, परंतु फंसकर निकलना बहुत मुश्किल है। संग दोष से हर मनुष्य बनता और बिगड़ जाता है। इसी तरह परम सत्ता से बिछड़ा हुआ जीव संत सतगुरु का संग पाकर प्रभु के साथ जुड़ जाता है और सर्वदा के लिए मुक्त तथा आनंदित हो जाता है। जब तक चार शरीरों के आवरण न उतरेंगे, तब तक सूरत जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। सूरत ने चार कपड़े पहन रखे हैं। प्रथम, सूरत त्रिकुटी स्थान पर लाकर खड़ी की गई है। इसी त्रिकुटी ब्रह्म स्थान पर सूरत का बहुत बड़ा स्वागत हुआ और बहुत बारीक झिल्ली सूरत के ऊपर डाली गई, जिसमें सूरत सब कुछ देखती रहे और सूरत को बेकली मालूम न हो। दूसरा कपड़ा सहस दल कमल में पहना दिया गया। तीसरा कपड़ा स्वर्ग वैकुंठ में। चौथा मोटा कपड़ा मृत्यु लोक में। अब बिना गुरु कृपा कैसे कपड़ों को उतारे और दुख के देश से आज़ाद हो। अब तो गुरु कृपा का सहारा लेना ही होगा। गुरु खोजो जो उस प्रभु को पा चुका है। सहस दल कमल में पहुंचकर ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। उस समय यह मालूम होता है कि इसकी किरणें तीनों लोकों का काम देती हैं। इसी ने नर्क, स्वर्ग, वैकुंठ, 14 भवन, 14 तबक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, तारागण लोक, सुमेर पर्वत, काग भुसुंडी, नीलागिरी पर्वत, त्रिवेणी, 84 चार खान, अंडज, पिंडज, उस्मज, स्थावर तथा दुख, सुख,
न्याय अन्याय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और भी बहुत सी जातियां बनाई हैं। इनके मुख में से होकर गोस्वामी जी ने बहुत से ब्रह्मांड देखे थे और तरह तरह की रचना का अनुभव शिव नेत्र खुलने पर किया था। प्रेमी जनों, यदि शिव नेत्र पाना है और मनुष्य जीवन में रहकर शिव नेत्र खुलाना चाहते हो तो आओ। गुरु ने साधना करते समय मुझसे कहा था कि किसी के कारोबार को शिव नेत्र प्राप्त करने हेतु छोड़ने की जरूरत नहीं है। खाना अच्छा शुद्ध खाओ और कपड़े साफ पहनो तथा अच्छे मकानों में रहो और फल फ्रूट, चावल, गेहूं, चना, सब्जियां खाओ। शिव नेत्र प्राप्त करने के लिए या सूरत शब्द योग करने के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मांस, शराब, मछली, अंडा, गांजा, भांग, अफीम, किसी जीव की हिंसा भी नहीं करनी और न ये गंदी वस्तुएं पिएंगे। परमार्थ यह वस्तुएं बहुत हानिकारक हैं, गंदी वस्तुओं को त्यागो। शिव नेत्र पाने के वास्ते जप तप, तीर्थ, यज्ञ, दान और अनेक प्रकार के संयम किए थे, परंतु वह नहीं खुला तो तुम्हारा जीवन सर्वदा व्यर्था चला गया। जो बचा है वह भी जाने वाला है। जो लोग धर्म की पुस्तकें बनाते हैं उन्हें जरा सा अपनी आकबत के लिए सोचना चाहिए कि हमारा शिव नेत्र खुला, हमने भगवान को पाया। पुस्तकें बहुत काट छाट कर लिख मारी और यह सत्य है कि धन कमा लिया, परंतु उनकी आत्मा अंधेरे में रही और आज भी है। आगे वही सजा होगी, नरक और 84 में जो पाप कर्म का फल पाते हैं। नाम, आवाज, शब्द के साथ संबंध करके जीव ऊपर अपने घर में पहुंच सकता है। शिव नेत्र की साधना जो भी पुस्तक को पढ़कर करेगा उसका अवश्य नुकसान होगा। गुरु द्वारा साधना करना, यह मेरा कहना मान लेना। आज लोगों ने भौतिकवाद की वजह से पराविद्या को लोप कर दिया, जो सुख की खान है। लोग मशीनरी में उलझते जाते हैं, इसी से लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। काल भाव वाली शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और पवित्र शक्तियां छुपेंगी। शिव नेत्र पाने वाली साधना में भूत, भविष्य, वर्तमान का दिखाई देता है, मुझे विश्वास है। पर तुम कहीं इसलिए न चले आना कि धन, पुत्र, मुकदमा, बीमारी दूर कर दें या संसारी चीजें देवें। शिव नेत्र के लिए आओ, ज्ञान चक्षु खुलेगा अवश्य। तुम महान काम के लिए आओ। मुझे बहुत बड़ा विश्वास है कि लोग शिव नेत्र दिव्य दृष्टि नहीं चाहते हैं। उन्हें स्वर्ग, वैकुंठ, जीते जी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? संसार की सब वस्तुएं। स्वर्ग तो मरने के बाद मिल ही जाएगा, कितना छोटा विचार है। जीते जी नहीं मिला, मरने पर स्वर्ग कभी नहीं, कभी नहीं। लोग धन के लोभी होने से सर्प बनकर उसी स्थान के इर्द गिर्द रहते हैं जहां पर धन होता। यह सब रहस्य शिव नेत्र पाने पर दिखाई देता है। जो लोग अधिक कामी होते हैं उनको जन्म बंदर या कुत्ते की योनि मिलती है, इसी प्रकार स्त्री के लिए है। जो जीव हिंसा करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली खाते और पीते हैं, उनको अघोर नरक में जम पुलिस ले जाती है और हमेशा मार खाते हैं। रिश्वत लेने का यही भोग भोगना होता है। गुरु भाई की उधेड़ बुन साधना। हमारे गुरु का सत्संगी कानपुर के पास एक गांव में रहता था। उसका समय आने जाने में निकल जाया करता था। क्यों? उसको 150 रुपये वेतन मिला करता था, लेबर ऑफिस में काम करता था। भजन के लिए उसके पास समय बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं बचता था। हमेशा सोचा करता था कि नौकरी छोड़ दूं। दिन रात उधेड़बुन में था। कुछ दिन पीछे स्वामी जी कानपुर पहुंचे और संकटा प्रसाद के निवास स्थान पर रहे। उनसे न मिलने वाले कोमल प्रसाद व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, समय नहीं मिलता है। भजन कब होगा और जीवन नैया पार होगी या नहीं,
रात दिन सोच रहता है, समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि 42 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या होगा। मुझे रात दिन सोच रहता है, क्या करूं। उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कानपुर में कहा कि जब तुम टट्टी जाया करते हो उसी समय भजन पर बैठ जाया करो, वहां तुम्हें अवश्य समय निकल आएगा। दो काम एक साथ होंगे, लेटिन और भजन एक साथ हो लेगा। स्वामी जी की बात उसको ध्यान में आ गई और उसने इस बात को कह लिया। अब कोमल प्रसाद रोज लेटरिन जाते समय भजन करने लगा और नित्य दफ्तर जाना, समय से रात्रि 10 बजे घर पहुंचना बराबर चलता रहा। हम सभी लोग अपने अपने स्थान चले गए। कुछ दिन बाद मुझे आने का फिर मौका मिला और मैं उनके गांव कानपुर के पास गया। रात्रि को कोमल प्रसाद के घर पर रुका, प्रातःकाल हुआ, वह जल्दी में लेटिन गए और साथ भजन पर बैठ गए। एकाएक सूरत शब्द योग की साधना से सूरत ऊपर खींच गई और कोमल प्रसाद उसी गंदी टट्टी में गिर गए। बहुत देर होने से मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि आज कहाँ गए हैं। उसने कहा कि लोटा लेकर लेटिन गए हैं। मैं उन्हें खेतों की मेड़ पर खोजने गया तो देखता हूँ कि कानों में उंगलियाँ लगी हैं और अपने ही पाखाने में गिर गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं है, मेरे बहुत हिलाने पर भी उन्हें होश ना आया। तब मैंने उनके लोटे का पानी उनकी आंखों में मारा। उस पर भी मुझे आधा घंटा हो गया तब उन्होंने आंख खोली और मुझे अनजान अवस्था में मुझे एकटक होकर देखते रहे, जैसे एक नन्हा बच्चा किसी को एकटक देखता है। कुछ देर बाद उन्होंने पहचाना। मैंने कोमल प्रसाद को उठाया और कहा कि आपको पखाना करते हुए ही मौका भजन करने का मिला। कोमल प्रसाद ने कहा कि मैं गुरु के मुख से सुन चुका था कि कहीं मौका न मिले तो लेटरिन के समय कर लेना, मेरे पास भजन करने का वही समय है। फिर उन्होंने सुनाया कि हमारी रूह यानी आत्मा ऊपर को चढ़ गई और बहुत ऊंचे निर्मल प्रकाश देश में होकर आई है, वहाँ बहुत आनंद है, उसको क्या कहूँ, गुरुजी को सुनाऊंगा। मैंने कहा तुम छिपा कर रखना, किसी से कहना नहीं, साधना संभाल कर करो। समझौती का आधार टिकाऊ नहीं। संत सतगुरु पर भरोसा रखकर और अंतर में जो मालिक है उस पर विश्वास रखकर जीवन बनाया जावे, यह जीवन उत्तम जीवन है। परंतु संसार में रस आनंद है ही नहीं। प्रारंभ में उपदेश देकर होगा, लेकिन उपदेश पर ही मालिक का भरोसा कर लिया जाए और सूरत शब्द की साधना 5 नामों की न की जाए तो यह सत्य है कि वह ठहरेगा नहीं, क्योंकि कोई उल्टी सुलटी हालत आ गई तो डिग जाएगा और ऐसी हालतें अक्सर निश्चय आया करती हैं, जैसे धन हानि, बीमारी, किसी की मौत होना, कारोबार में नुकसान होना और राज्य के झगड़े, ये हालतें जरूर आवेंगी। इसमें वही ठहरता है जो गुरु में विश्वास करता है तथा सूरत शब्द की साधना में लगा हुआ है। ऐसी हालत भी आ सकती है कि खाने को तरसे और तड़पे। स्थाई और समझौती के अतिरिक्त और सत्य वस्तु है जो साधना से आती है, जिसमें कभी धीरज और मालिक का भरोसा नहीं जाता है और उसकी रजा में राजी रहता है। यह हालत कर्म काटने के लिए आया करती है। सतगुरु की समर्थता पर अंतर में विश्वास होना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि जो हालत आई है उससे ज़्यादा खराब आनी थी, उसमें कम कर दी गई है और आगे गुरु कृपा से और आराम मिलेगा। सिब्बो और बुक्को दो देवियां हमेशा स्वामी जी की सेवा में रहती थीं और भक्ति भाव में प्रवीण थीं। प्रभु पथ में बहुत कठिनाइयां। संसार को विराम करके जीव यदि पूर्ण सुख की तरफ जाना चाहता है तो उसे किसी टिके हुए पथ अनुगामी पूर्ण पुरुष महात्मा का साथ लेना ही पड़ेगा और कठिनता पाने वाले को अपना निशाना गुरु तथा गुरु की बताई हुई मंजिल बनाना होगा, फिर बाधा न आवेगी। निशाना चूका कि बाधा सामने खड़ी है। साधक की सफलता का परिचय यह होगा कि गुरु को अपना निशाना बनाए रहें, गुरु में श्रद्धा प्रेम अटूट हो और सत्संग की चाह बराबर लगी रहे, गुरु के दर्शन उनके वचन सुनने के वास्ते हृदय व्याकुल होता रहे तथा समय निकालने का प्रयास लगातार करता रहे कि किस दिन सत्संग सुनूं।
गुरु का दिया हुआ पांच नामों का सुमिरन हमारी तरह लगन के साथ ध्यान पूर्वक करता रहे और विधि पूर्वक हर नाम के साथ सुमिरन करें। सुमिरन करना एक तरह मेहनत करना है। जब ध्यान पर बैठे हमारी तरह प्रथम पांच नाम ले और स्थानीय पांच स्वरूपों को याद करे। साथ ही जिस स्थान पर गुरु को याद करे वही स्थानीय स्वरूप में दृष्टि से मत्था टेक ले। एक मिनट के बाद ध्यान पर बैठ जावे। ध्यान में अवश्य दया होगी क्योंकि मैं इसी तरह बैठे करता था, मेरे ऊपर गुरु की दया हुआ करती थी। जब जब समय मिले भजन करें। आवाज का सुनना और आवाज आना यही भजन का बनना है। फिर लगन के साथ आवाज को सुनकर रह जाना और आवाज में मिलना। साधक सदा इसी कोशिश में रहे। गुरु आवाज के साथ अंदर में अवश्य है। आवाज को सुनते समय यह ध्यान रखना कि यह आवाज किस किस्म की है और किस ध्वनि में से आ रही है। कहता क्या था, भाग्य उदय होगा जब सुनाई देगी। लेकिन गुरु की दया के सहारे से यह आवाज सुनी जावेंगी। बिना दया के जो आवाज सुनेगा वह किसी भी आवाज को पकड़ सकता है और सफलता को न पा सकेगा। उपदेश लेकर मांस का असर। जो लोग गुरु के पास पहुंचकर उपदेश ले लेते हैं और संग दोष से या अपनी स्व इच्छा से मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लगते हैं, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि आगे चलकर इसका क्या असर होगा। मुझे अपने जीवन के कितने अनुभव अंतरी चढ़ाई में जो प्राप्त हुए हैं गुरु कृपा से उनको सुनाता हूँ। जब जब लोग गुरु के पास आए और मान अहंकार में अपनी सफाई देते हैं कि हम बहुत साफ हैं, गुरु ने एकाएक खाता मांगा धर्मराय से, उन्होंने दिया। उसी दिन से कर्मों की तोड़फोड़ हुई। अब चिल्लाया कौन सुनता है। याद रखो, चतुराई छोड़कर हमारी तरह हर वक्त सच्चे दिल यह कहते रहो कि हम गुनहगार हैं, दया करो। आदमी उन्हें अंधा समझता है और कम अक्ल समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, पर मेरा अनुभव है कि वह सब समझते हैं। तुम होशियार रहना, नहीं तो तुम्हारा कचूमर न निकल जाए। जिन्होंने मांस खाया है उपदेश लेकर उनका सब कचूमर उनके रहते निकाला जाएगा। तुम कोई यह न समझ बैठो कि निकल कर बचा जा रहा है, बचेगा नहीं, तुम जरूर देखोगे। शिव तीर्थ बिल्डिंग बॉम्बे। तारिक को एक पारसी ने जहर खा लिया अपनी स्त्री से झगड़ा करने पर। कभी कभी स्त्रियां बहुत क्रूर होती हैं। स्त्री के सामने उनसे जहर कहकर पिया है और स्त्री ने कुछ कहा नहीं, अंत परिणाम कि वह तुरंत मर गया। दर्शन प्रसादी। प्रसादी की कितनी किस्म है। सत्संग सुनने हर किस्म के मनुष्य आते हैं, उनमें हर तरह का भाव होता है। कोई देखने आता है, कोई आलोचना करता है, कोई सुनता है, कोई सुनकर महसूस करता है। कुछ प्रसाद लाते भी हैं, कुछ चालाक भी होते हैं, कुछ सुनकर दूसरों को अपनी बुद्धि द्वारा समझाते भी हैं। सबसे उत्तम प्रसादी यह है कि गुरु के दर्शन करते करते उन्हीं की सूरत में खो जावे। उसे दुनिया का बिल्कुल होश न रहे। समझ लो कि संतों की असली प्रसादी पा चुका। संतों के दरबार में बाहर से कुछ दिखावा भी नहीं है, इसी वास्ते उनके यहाँ भीड़ कम होती है। परंतु समय के अभाव से ऐसा हुआ। कोई दिन आएगा कि जीव बिना कुछ देखे हुए खींच जाएंगे। सब व्यस्त हैं। हर आदमी घर के काम में इतना व्यस्त है कि उसे मरने तक की फुर्सत तक नहीं। भगवान के होने को कौन सोचे। सब सोफा सेट बनाने और रुपया मकान तथा साज सजावट और घूमने में और सिनेमा देखने में संलग्न हो रहे हैं। मुर्गी अंडा मांस मछली शराब का बाजार बहुत से बहुत गर्म है। बॉम्बे में बंद होने के कारण और जोर पकड़े हुए है और लोग कसरत से पीते, टिंचर पी जाते, स्प्रिट पीते और बहुत सी नशीली चीजें पीते हैं। और हमारी छानबीन करने के बाद ये मालूम हुआ कि कसरत से शराब घर घर में बनती है और लोग पीते हैं। राज्य कानून से बंद नहीं होगी। ध्यान रहे, धर्म का जब प्रचार होगा
तब अरुचि होगी। बहुत किस्म की शराब बन रही है, बॉम्बे की शराब खोल दी जावे और सरकार हमें मदद दे, हम प्रेम के साथ बंद करा देंगे। शराब खोली न जावे, केवल प्रतिबंध हटा दिया जावे। दुखिया सब संसार देखा, सुखिया नाम आधार। नाना भाव की वासनाओं में लोग खेल रहे हैं और हर किस्म से चिंतित हैं। चेहरों पर शिकन है और अफसोस जाहिर करते हैं, दिल रोता है। शिव नेत्र खुलने की व्यवस्था और सूरत शब्द योग जो कलयुग में आसान है, सो सब संत अनुभवी पुरुष कहते आए हैं कि सरल है, पर गुरु अनुभवी प्राप्त होने पर आसान होता है। ज्योति स्वरूप भगवान को पाना है तो आपको प्रथम शिव नेत्र खोलना होगा और अंतर के कान खोलने पड़ेंगे। बिना दो दरवाजे खोले हुए तुम कभी ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म तथा उससे परे सतपुरुष के पास सतलोक में नहीं पहुंच सकते। कर्म। इस जगत में रहकर स्त्री पुरुष 5 वर्ष की अवस्था के ऊपर जो भी अशुभ शुभ कर्म करेंगे वह सब स्त्री पुरुषों को भोगना। पाप और पुण्य दो कर्म हैं, इसमें कम और बड़े पाप होते हैं। सबकी सजाएं अलग अलग है और उन कर्मों की यातना अवश्य भोगनी पड़ेगी। कर्मों के पर्दे आँखों के ऊपरी भाग पर जमा होते, जहाँ दरिया का जल तथा अग्नि पहुँच ही नहीं सकती जो उसे जलावे। मनुष्य हो या स्त्री हो, जो जो संसार की तरफ तरक्की करते हैं, जैसे धन पाना, मकान पाना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाना, जैसी इच्छा चाहे वैसा धन खर्च करना, पुत्र पाना चाहे जैसे कर्मों से पाया जावे, इसी को सब लोग तरक्की समझते। कर्म। स्त्री पुरुषों, तुम भूल कर फूल को मत तोड़ो, यह फूल मुरझा जाएगा। तुम्हारे काम न धन मकान कपड़े पुत्र पुत्री पति पत्नी कोई ना आवेगा। तुम समय खत्म होने पर इच्छा न होते हुए रवाना किए जाओगे और मुफ्त में तुम इनमें फंस कर अपना समझते हो, कोई न होगा। एक आदमी अपनी गृहस्थी में रात दिन लगा रहता था। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो, तो वह आदमी मुझसे कहता है कि जो मैं बच्चों की सेवा करता हूँ यही ईश्वर का भजन है, काम भगवान ने करने को यही सौंपा है। मैंने कहा कि बच्चों की सेवा करते हुए इसी से समय निकालो, परंतु उसकी समझ में न आया। 3 साल के बाद पहुंचा, देखता हूं कि वह अपने में बीमार है और रोता है कि बच्चों मैंने तुम्हें ऐसे पाला था जैसे लोग ईश्वर का भजन करते हैं और आज तुम हमारे काम नहीं आते हो। महात्मा जी ठीक कहते थे कि ईश्वर का भजन ही मुसीबत में साथ देता है। जगत के लोग स्वार्थी हैं। उसने मुझे बुलाया और कहा कि आप भजन करने की युक्ति बताते। मैं ना कहा कि मरने पर काम भजन नहीं देता है, जैसे नया तैरने वाला अचानक में डूबने लगे और कहे कि मुझे तैरना सिखा दो, नहीं सीख सकता, पहले सीखो, इसलिए भजन शुरू से करो। एक सेठ अपने बच्चों से बहुत परेशान था। धन और मोटरें तथा अच्छे बंगले होते हुए उसके लड़के उसके कहने में नहीं थे। पिता उनसे परेशान होकर पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। पीछे उसके लड़के बुरे रास्तों पर चले गए और अंत में लड़के कंगाल हो गए। बच्चों को चाहिए कि माता पिता की सेवा करें। एक स्त्री अपने पति को बहुत समझाया करती थी, पर पति का आचरण कुचाल था। कुछ दिन के बाद स्त्री ने आत्महत्या कर ली और उसी घर में आकर चुड़ैल हुई। उसके सब घर वालों को तंग करती है। मैं एकाएक उसके मकान में सोया तो वह रात्रि में कहती है कि पति के दुख से आत्महत्या की है, समझ न होने भूत योनि पाई। आप इस योनि से दया करके निकाल लो, बहुत कष्ट होता है, मरने के पहले भजन करो, नहीं तो भूत योनि पानी होगी। हमारे सत्संग में बहुत से लोग भूत उतारने आए हैं। किसी के पास मौलवी दाढ़ीवाल हर वक्त साथ रहता है, किसी के पास औरत भूतिन रहती, किसी के पास जिंद रहता है और बहुत से लोगों का दूर कर दिया, परंतु हर साल लोग आते हैं और हर साल भूत छुड़ाया जाता है।
सूरत शब्द योग की साधना बताई जाती है। जो लोग मारकर बकरा, मछली, गऊ, शेर, हिरन, अन्य लोग जो मुर्दा गोश्त मांस खाते हैं, जो जानवर मारे जाते हैं, वह सभी भूत होते हैं, क्योंकि जितनी उनकी उम्र है उसके पहले मार दिए गए, इसलिए सब भूत योनि में उनके प्राणों का भुगतान होता है। और फिर खाने वालों पर उन्हीं आत्माओं का श्राप लग जाता है, उनको भी भूत होना होगा और नर्क की आग में डालकर जलाए जाएंगे। जो जैसे जिसको मारेगा उसी तरह उसको भी बदले रूप में मारा जाएगा। अपनी मौज के लिए खुदा, ईश्वर, गॉड के हुक्म का उल्लंघन करते हैं और इंद्रियों को पुष्ट करके विषयों के भोगों में मस्त रहते हैं। मांस, शराब, अंडा, मछली खाना इंसान के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, उसकी तंदुरुस्ती के लिहाज से बहुत खराब है, मैदा खराब करती है, बीमारी, रोग और कितने प्रकार के मर्ज हैं उनको शरीर में स्थान मिल जाता है। किसी कौम के आदमी हो वह ईश्वर, गॉड, खुदा, आराधना, इबादत तथा प्रे नहीं कर सकते हैं। उनका मन ईश्वर की तरफ जाने में बहुत गंदा और जीव, आत्मा, रूह तथा सोल पर इतनी गंदगी लाद ली है कि उतर ही नहीं सकती है। जिन बच्चों और बच्चियों के आचरण बचपन में खराब हो जाते हैं वे बड़े होने पर जाते नहीं हैं। सूरत शब्द की साधना है बहुत सरल, परंतु जब से उपदेश ले उसके आगे कोई गंदा कर्म करे नहीं। यदि गंदा कर्म करता रहा तो सूरत शब्द की साधना में सदा असफल रहेगा। लेकिन पुराने बुरे कर्म हैं वह गुरु अपनी दया से काट देते हैं, सूरत शब्द की साधना में सफलता मिलने लगती है। आगे बुरे कर्म मत करना, गुरु तुम्हारे कर्मों को जानते हैं, यदि कह देंगे तो तुम शर्मिंदा होकर उनके पास से चले जाओगे, इसलिए जानते हुए कुछ कहते नहीं हैं। बहुत से सत्संगियों की यह आदत बनी जा रही है कि मुफ्त का खाना अच्छा लगता और बात परमार्थ की बातें करते हैं, परंतु किसी तरह चाहते हैं कि यह फलां से 8 रुपया दे दे और जल्दी अपना मतलब हल करें। सत्संग में आकर सत्संगी कहलाना और रुपया मांगकर ले लेना और देना नहीं, यह सत्संगियों के भाव खराब करते हैं। ऐसा किसी सत्संगी को नहीं करना चाहिए। यदि कोई सत्संगी किसी प्रांत में पहुंचकर ऐसा करता है तो वह परमार्थ के काबिल नहीं है। दुखी संसार, दुखी संसार को सुख कौन देगा? हाहाकार में लाओ रुपया, सब मांगते हैं, महात्मा लाओ कुछ रुपया, जानते हो, बीमारी दूर करो, बच्चा दो साथ, लाओ रुपया। हम तभी पूरा महात्मा समझेंगे जब रुपया देंगे, वरना मुश्किल। आपके पास लड़के लड़कियों का इतना खर्च बढ़ा रखा है कि आदमी सुबह का निकला हुआ शाम को घर आता है, और आज के लड़के और लड़कियों को सिनेमा चाहिए, कुछ शराब भी चाहिए। फैशन में बेइज्जती, आज का जो फैशन निकला है उस पर स्कूल के लड़के लड़कियों पर शक करने लगे। वह देखते हैं कि लड़कियां जगह जगह घूमती हैं, पिता को लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो गया, एक परेशानी होने लगी और जरूर होगी। और लड़के घरों में सोचते हैं कि घूमने वाली लड़कियां घर में, वह आएगी घर, काम होगा ही नहीं, केवल घूमना, हम देखकर शादी करेंगे। फिर सुंदर हो, गाना गाती हो, उसके साथ रुपया भी मिले, उसके पिताजी पैसे वाले हों, हर समय कुछ न कुछ दिया करें, और बहुत सी बातें सोचते हैं। नार विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नर मरकट की नाही। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के दास अवश्य होंगे, जैसा वह कहेंगी वैसा नाचेंगे, माता पिता की बात पर कोई ध्यान न होगा, बहू सास ससुर की सेवा हरगिज न करेगी, मन मना जो भावेगा वह होगा और उसी को करेंगी। संसार में मनुष्यों को अब सुख न मिलेगा जब तक वे हमारे पास न आएंगे और प्रेम न करेंगे। प्रेम ही सार है जो आज खो गया है। किसी गांव में एक साईं बाबा रहते थे, वह बहुत मशहूर थे।
उनके पास एक स्त्री खाना लेकर जाया करती थी। उसके कोई औलाद न थी। स्त्री को पुत्र की बहुत इच्छा थी। एक दिन खाना लेकर साईं बाबा के पास गई। खाने में खिचड़ी थी। साईं बाबा के सामने वह स्त्री रोने लगी। साईं बाबा ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो? कुछ मुझसे कहो। उस देर बाद कहा कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हम एक बेटा चाहते हैं। साईं बाबा ने कहा कि हम खुदा के पास जाकर पूछेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। जब साईं बाबा खुदा के पास गए और पूछा कि एक स्त्री रोती है और एक बेटा चाहती है, उन्होंने कहा कि उस स्त्री के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। साईं बाबा ने कहा कि हमने मालिक से पूछा, उन्होंने देने से इनकार किया है, कहा कि उसके भाग्य में नहीं है। अब हम खिचड़ी भी नहीं खाएंगे, तुम जाओ और खिचड़ी ले जाओ। स्त्री निराश होती हुई चली। रास्ते में एक मस्त बाबा जी आ रहे थे जो पागलों की भांति घूमा करते थे। उन्होंने स्त्री को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हमको बहुत भूख लगी है। स्त्री ने सामने खिचड़ी रखी और पागल बाबा ने देखा कि स्त्री रोती है। पूछा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसने कहा कि हमारे औलाद नहीं है, हम साईं बाबा के पास गए थे, उनके खुदा ने कहा कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। पागल बाबा ने खुश होकर कहा कि जा, मैं तुम्हें दो पुत्र देता हूँ। कुछ दिन बाद उसको दो पुत्र हुए। फिर वही स्त्री साईं बाबा के पास दोनों पुत्रों को लेकर गई और उनके सामने पेश किया और कहा कि मैं वही स्त्री हूँ जिसके लिए खुदा ने कहा था कि उसके भाग्य में नहीं। साईं बोले कि हमारा मालिक झूठ नहीं बोलता है, तू परसों आना, हम मालिक से पूछ कर बताएंगे। साईं ने मालिक से पूछा, उन्होंने कहा कि जो हमारे भक्त हो चुके हैं उनका कहा हुआ मुझे करना पड़ता है। पागल बाबा हमारा भक्त है, उसका प्राण रखना होगा। संत मुझसे सब कुछ करा सकते हैं, मैं उनके वसीभूत हूँ। स्त्री भक्त की दशा। एक स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी, परंतु परमात्मा की महिमा में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। साधु महात्मा को वे स्त्री कुछ नहीं मानती थी। एक साधु ने कहा कि बेटी, पति की सेवा करने के बाद अतिथि सेवा भी किया कर। उसने कुछ नहीं सुना। जब स्त्री का शरीर छूटा तो वह एक किसान के घर की कुतिया हुई। रात दिन भौंकती रहती थी। महात्मा उसी गांव से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि और कर पति की सेवा। उसका फल मोह के कारण यह हुआ कि कुतिया हुई। यदि साधु महात्माओं की सेवा करती तो मोह से छुटकारा होता। जहां आशा वहां बासा। जगत से प्यार मोह करने वालों का जगत में जन्म मर और मरण होता रहता है। मोह छोड़ो। एक स्त्री और पुरुष लड़ते रहते थे। उनका जब गृहस्थ जीवन दुखमय हो गया तब पुरुष जहर खा लिया और स्त्री पानी में डूबकर मर गई। बच्चे रह गए। गृहस्थ जीवन को शांति में गुजारो। स्त्री बच्चों की कहानी। कलकत्ते में एक बंगाली औरत जिसका पति मर चुका था, उसके तीन बच्चे थे, दो बड़े और एक छोटा गोद में था, और तालाब में बर्तन मलने गई अपने बच्चों को साथ लेकर। कुछ देर बाद रोने की आवाज आई। स्त्री ने सोचा कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। छोटे बच्चे को तालाब के किनारे छोड़ दिया। जब कमरे में गई तो देखा कि दोनों बच्चों को सांप ने काट लिया है। रोने लगी। इतनी देर में तालाब के किनारे का बच्चा जाग गया और तालाब की तरफ गया कि पानी में चला गया और डूब कर मर गया। जब उसकी माँ आई, देखती है कि यह भी बच्चा मर गया। अपने भाग्य को कहती है कि या भगवान, यही मंजूर था। कर्म फल सबको भोगना होगा, बुरे काम मत करो। एक किसान अपने गांव में रहता था। उसके यहाँ एक महात्मा आए। वह बहुत गरीब था। उन्होंने खाना और एक धोती मांगी। वह बेचारा बहुत गरीब था। अपनी माँ के पास गया और कहा कि महात्मा, खाना और एक धोती मांगते हैं, क्या करूं?
माँ ने अपने कान की बाली उतार कर लड़के को देकर कहा कि महाजन के पास रख दो और महात्मा का वचन पूरा करो। हमारा धर्म किसान ने ऐसा ही किया। महात्मा को धोती और खाना खिलाया। जब महात्मा खा चुके तब उससे बोले कि बच्चा धोती कैसे लाए हो। किसान प्रार्थना करते हुए तथा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, महाराज जो यथाशक्ति होगी वह सेवा करता रहूंगा। महात्मा जी किसान से बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं और अब से तेरे ऊपर दया मालिक की होती है, तू सबकी सेवा करते रहना। आज भी वह किसान है, हजारों मन गल्ला उसके खेत में होता है। एक साहूकार ने उसे अपनी जमीन मुफ्त दी थी कि बंजर पड़ी उसी जमीन से किसान माला माल हो गया और आज भी महात्माओं की सेवा करता है। संत दया जरूर करते हैं, जो लोक में भी माला माल हो जाते हैं और परलोक का भी रास्ता बन जाता है। तड़प से मालिक फकीर को भेजते हैं। बगदाद में एक फकीर रहते थे, वह ऊंट पर सवारी करते थे। एक आदमी यह खोज करता था कि मुझे मालिक मिले। वह किसी बियाबान जंगल में जाकर रोता था। रोते रोते उसका शरीर जर्जर हो गया। उसके बाद भी मालिक न आया। फिर उस आदमी ने प्रण किया कि अब मुझे मालिक नहीं मिला, आत्महत्या कर लूं। फकीर अपने ऊंट पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में ऊंट रुक गया। फकीर साहब सोचने लगे कि ऐसा हमारा ऊंट कभी कुछ करता ही नहीं, आज क्यों रुका। फकीर साहब ने ऊंट की नकेल ढीली की, ऊंट पीछे लौटा और एक जंगल की ओर लेकर चला। कुछ ही दूर जो ही जंगल में ऊंट गया, देखा वहां एक आदमी विलाप करता हुआ रोता है। ऊंट उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तब फकीर साहब ने पूछा, तुम क्यों इतनी जोर से रोते हो। उसने कहा कि मैं मालिक के दर्शन न मिलने से हताश हो गया। फिर फकीर ने उस आदमी को कहा कि तुम रोवो मत, हम तुमको रास्ता बताते हैं, मालिक मिलेगा। रास्ता दिया फकीर साहब, उसकी दिव्य आँख खुली और अंदर की रोशन रसना देखने लगा। तब उसको सांत्वना आई। फकीर ने कहा कि मैं फलां स्थान पर बगदाद में रहता हूँ, तुमको जरूरत हो तो मिलना जरूर। उसने कहा कि जिस मालिक ने मेरी तड़प को बुझाने के लिए आपको उसने भेजा है, उसी तरह फिर आपको भेजेगा। फकीर ने कहा कि एक दफा दया करता है, फिर तुमको फकीर पर दया करनी होगी। फकीर को कष्ट न देना और उसके दरबार में हाजिर होना, क्योंकि फकीर उस दरबार के जाति खुद खुदा है। एक गांव में बुढ़िया 90 साल की रहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में कौन रक्षा करेगा, हे भगवान क्या होगा, घास बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन बुखार बुढ़िया को आ गया, अब घास भी लाना। बुढ़िया मोहताज हो गई। तब उसने कहा, भगवान अब हमारा शरीर बदल दो। उसकी परीक्षा लेने के लिए धर्मदूत आए और कहा कि तुमने मुझे बुलाया है, चलो। बुढ़िया कहने लगी कि मैं ऊपर से कहा करती थी कि हमारी मौत हो जाए, मुझे आप छोड़ दें, मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोग ज़ईफ होने पर भी नहीं चाहते हैं कि मैं न मरूं। प्यासा। राजस्थान में एक महात्मा सफर करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक प्यासा पीने के बिना तड़प रहा था, मरने ही वाला था कि वह महात्मा उसके पास पहुंच गए और अपने कमंडल का पानी पिलाया, तब उसकी जान बची। जब होश आया तब महात्मा ने कहा कि अब किसी को अपने दरवाजे से प्यासा मत जाने देना। जो दूसरे मुसाफिरों को पानी नहीं पिलाता है वही प्यासा मरता है। महात्मा बोले, इसी तरह ईश्वर के दर्शन करने की जिज्ञासा लग जाए तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान के दर्शन की प्यास होनी चाहिए, परंतु गुरु को खोजना। जब तुम आँखों के ऊपर की साधना करो
तब मन में हुलास रखो कि हम गुरु का दर्शन करें, परंतु तीसरे तिल पर सूरत का आसन जमा लेना चाहिए। रोज बैठो, नित्य जो शब्द हो रहा है उस शब्द रूपी गुरु की आवाज को सुनो और सूरत रूपी बर्तन मांज। फिर जब सूरत साफ होगी तब गुरु का रूप दिखाई देगा। वह रूप जैसे सूरज उजाला करता है वैसा उजाला करेगा। सूरत का कमल खिल जाएगा, मन रूपी भोरा फिर प्यार करेगा। सूरत जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला सदा उनके अंदर अंधेरा रहेगा, कभी उजाला होगा ही नहीं। और हे सूरत, जब तक पूरा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक आना जाना नहीं छूटेगा, सदा सूरत खान में भटकती रहेगी। एक प्रेमी ने पूछा, स्वामी जी, जीव किस अवस्था में पहुंचकर समझ सकता है कि मैं संसार में जन्म न लूंगा? जीव अपने आप को जब समझे कि मैं जन्म न लूंगा, जबकि मन में संसारी इच्छाएं न उठें और संसार के जो भी झकोले हैं उनमें आकर दुखी न हो, फिर संत सतगुरु से पूरा प्रेम हो जावे, उनके प्रेम में जीव सदा तड़पता रहे, सूरत मन को साथ लेकर सूरत शब्द के अभ्यास में लगी हो और अंतर में शिव नेत्र खुल गया हो, गुरु अंतर में प्रकट होकर सूरत से बात करता हो, समझ लो कि अब जन्म न लेना होगा। परंतु काम इसी जीवन में गुरु की दया लेकर होना चाहिए और सूरत सतलोक पहुंच जावे। मनुष्य अपनी सांसारिक आवश्यकताएं पूर्ण करने में अपने सारे जीवन के वर्षों को लगा देता है, फिर भी उसकी इच्छाएं न होने के बराबर रह जाती हैं और अपने अनमोल मनुष्य जीवन कूड़े करकट के समान बिता देता है। लौकिक पदार्थ छाया के सदृश्य है, जिन्हें मनुष्य देखते देखते पकड़ना अनिवार्य समझता हुआ भी छाया रूपी विभिन्न वस्तुओं सूर्य जैसे संध्या समय ढल जाती है और मनुष्य खड़ा खड़ा देखता रहता है। इसी भांति मनुष्य श्वासें हैं, कार्य करते करते खत्म सी हो जाती हैं, अंत में मनुष्य अपनी इच्छा रूपी सीमाओं का लक्ष्य बना रखा है उसको पूरा नहीं कर पाता है और अंत में सिर पीटता पछताता हुआ इस संसार रूपी संबंधियों से नाता सर्वदा के लिए तोड़कर अलग हो जाता है। मनुष्य, तुम्हारी वह इच्छाएं कदापि संशय रूपी संसार में पूर्ण न होंगी। जिस ओस की भांति हीरों के समान घास पर चमकती हो और सूर्य की क्षणिक गर्मी पाकर वह बूंदे उड़ जाती हैं, इसी तरह क्षणिक संसार में सुख प्रतीत होता है और अंत तक मनुष्य उसी सुख की जिज्ञासा में रहता हुआ खोल अंत समय प्राणों का त्याग कर देता है। परंतु जो भगवान की ज्योति प्रकाश रूप में जलती है, जिसमें अस्थाई सुख और अस्थाई शांति है, उससे बहुत दूर रहता हुआ जगत में निराशता प्रकट करता रहता है। भेंट। संतों के पास धन सामान भेंट करने की कोई महिमा नहीं। जो भेंट रुपया पैसा की पैसों पैस या दिल को कचोट कर या झिझक से करते हैं वह भेंट नहीं। संतों की सेवा में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, दिल खोल कर करो। जिस तरह होली के समय रंग दिल खोल कर खेलते हैं, उसी तरह उमंग और उत्साह के साथ चित्त प्रसन्न करते हुए करना चाहिए। उसका फल व्यर्थ कदापि नहीं जाता है। गुरु के दरबार में किसी की मेहनत रखी नहीं जाती है। सत्संगी समझकर जो सेवा। बहुत से लोग गुरु दरबार में उपस्थित होते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं और कुछ उपदेश लेते हैं। एक दूसरी जगह के सत्संगी जनों से परिचय होता है, किसी को किसी चीज की जरूरत होती है और किसी सत्संगी की जरूरत पूरी कर दी, यह भी सेवा उच्च सेवा। परंतु कुछ सत्संगी अपनी आदत नहीं त्यागते हैं, हर किसी सत्संगी से रुपया मांगने लगते हैं कि मुझे उधार दे दें। उन्हें ज्ञान होना चाहिए वह अपना वादा पाई पूरा कर सकें तो ठीक है, नहीं तो किसी सत्संगी से रुपया हरगिज नहीं लेना चाहिए।
यह मेरा सख्त हुक्म है, मर्यादा का पूर्ण व्यवहार हो जिससे किसी के दिल में चोट न लगे और परमार्थ न बिगड़े, वह काम करना चाहिए। यदि किसी सत्संगी ने किसी सत्संगी को गुरु का सत्संगी समझकर मदद की है तो उसको रुपया देने के पहले उसे समझ लेना चाहिए कि गुरु हमारा समर्थ है। यह यदि हमारा रुपया न देगा तो इसका मुंह सत्संग में काला होगा और गुरु की दया जो होनी चाहिए वह न होगी। हमारे ऊपर उसकी दया अवश्य होगी। हम उसकी दया से सत्य के राहगीर समझकर सेवा की है। मुझे विश्वास है कि गुरु उसके दाम से 10 गुना देगा, इसमें जरा भी शक नहीं है। गुरु समर्थ है। सेवा। कन्हैया लाल कलकत्ते में रहते हैं, उनको मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, नीची निगाह से गरीबों की सेवा करो और अपना कुछ न समझो, गुरु दया करेगा और तुम बढ़ते चले जाओगे। पीछे मत देखो, गुरु की सेवा समझ कर करो, वह ऐसा ही करते हैं, वह बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह सबकी सेवा करो और किसी तरह दुखी मत हो, अधिक मिलेगा, नुकसान न होगा। गुरु की सेवा करने के लिए सेवक को हर प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, यद्यपि गुरु चाहते नहीं हैं। संगत की सेवा हेतु और तुम्हारी भावना को दृढ़ बनाने के लिए गुरु सेवा स्वीकार करते हैं और गुरु उसी सेवा को संगत में खर्च करते हैं। धन्य मनुष्य जीवन जिन्होंने अपना समय और सेवा गुरु सेवा में लगा दी। सत्पुरुष ने स्वतंत्र नहीं जीव छोड़े गए हैं। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि सत्पुरुष ने जो सूरत प्रसन्नता में दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक ने बिल्कुल जीवों की लगाम को छोड़ दिया है। काल और माया के सुपुर्द जीव किए गए हैं और उनके ऊपर जो आवरण चढ़ा दिए गए तथा जीवों की मायक पदार्थों की तीव्र इच्छाएं हो गई हैं, जब वह इच्छा खत्म होगी और मायक शक्ति क्षीण होगी तब जीव संतों की रहनुमाई में आएंगे और उस परम पद का उपदेश सुनेंगे जो पिंड अंड ब्रह्मांड के पार सत्य देश है। और इसलिए जीव ताकत लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी इंद्रिय शक्ति खत्म हो और बेचैन होकर संतों के उपदेश को सुन सकें। अब जीव भौतिक पदार्थों में जोर के साथ शक्ति खर्च किए देते हैं। शक्ति खर्च होने पर कुछ रह न जाएगा। खाना, सोना, कपड़ा पहनना, सिनेमा देखना, स्त्री सुख लेना, राज्य करना, अन्य अन्य भूषणों में खर्च किए देते हैं। जब इनके पास की सर्व शक्ति खर्च होगी तब संतों की बात को सुनेंगे और मानेंगे। बीच में इनके दिल में बहुत फुरना होती है कि कुछ सुख होगा। यह हर मनुष्य को धोखा है। मनुष्य हर किस्म की भावनाएं रख लेता है परंतु उन्हीं भावनाओं में उलझकर अपने आप को खत्म जाता। अंत में अपने जीवन में कुछ भी तय नहीं कर पाता है। शिव नेत्र। शिव नेत्र गुरु की आज्ञा अनुसार खुलेगा। जब 5 नामों का सच्चा भेद गुरु द्वारा प्राप्त होवे उस समय क्या करना चाहिए? गुरु को खुश करें और अंतर में बैठकर बिंदु पर अपनी सूरत की दृष्टि टिका देना चाहिए और बराबर इस बात की निगहबानी करनी कि मन, चित्त, बुद्धि और सूरत की दृष्टि एक जगह रहे, कहीं जावे नहीं। अंतर में जो पर्दे हैं उसके साथ अपनी आँख को घुमाना नहीं है। अगर दृष्टि घूमती रहेगी तो पर्दा नहीं हटेगा। प्रथम पर्दा हटाना है ताकि अंदर का आकाश साफ होवे। गुरु से प्यार। सत्संगी गुरु से प्यार करते जाएंगे उतना ही दुनिया की तरफ से बंधन कम होते जाएंगे और काम क्रोध की ज्वाला कम होती जाएगी। साधन में मन लगेगा नहीं। मन ध्यान भजन करते समय बहुत विघ्न करता है और भजन करने नहीं देता है। इसकी क्यों ऐसी हालत हुई? कारण यह है कि गुरु में इसका प्यार कम है या बिल्कुल नहीं है। यदि गुरु में प्यार होता तो मन रूपी घोड़ा गुरु के खूंटे में बंध जाता।
आगे तरक्की अंतर में होती जाएगी और शब्द भी सुनते जाएंगे। अंतर में रस प्राप्त होने पर मन चुप होगा। भारी सड़े कर्म। जो प्रेमी गुरु के सच्चे सेवक हैं और जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, सच्चे भाव से उनको कितने प्रकार के अनुभव हुए, कितनी तकलीफ आवे, उसे भली प्रकार सहन करते हैं। और यदि भारी तकलीफ आवे और वह सहन करने के बाहर हो और गुरु की समर्थता का विश्वास जाता हो, तो फौरन ये ध्यान में लाना कि भारी कर्मों का चक्कर है। जो ऐसी तकलीफ आई, क्यों इतने नाकिस सड़े गले निकृष्ट अतीताई कर्म होते हैं जिनके आने पर साधक सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है और गुरु का नाम दिया हुआ भी वापिस करने का सच्चा संकल्प कर लेता है और गुरु में अनेक प्रकार के ऐब दिखाई देते हैं और मन चाहता है कि मैं दूर रहूं। प्रेमी को मालूम होना चाहिए कि यह देश कर्मों का देश है। इस देश में शरीर कर्म अवश्य भोगने होंगे, चाहे शुभ हों या अशुभ हों। यह दोनों कर्म एक दूसरे के साथ मुजरा कदापि नहीं होंगे। जिस श्वास में और जिन घड़ियों या जिन वर्षों महीनों में कर्म शुभ अशुभ करेगा, उसी कर्म की अगले जन्म में प्रारब्ध बनती है। जिस योनि में जाएगा उसी में कर्म भोगना होगा। कर्मों की थ्योरी अटल है, यह ईश्वरीय विधान है। भौतिक के वाद विवाद समय में कर्म थ्योरी को असत्य कर दिया है, परंतु भाग्य तथा किस्मत और प्रारब्ध की व्याख्या हर मनुष्य करता रहेगा। चाहे तुम मानो या न मानो, चाहे भगवान को मानो न मानो, यह तुम्हारा जाति अधिकार है। परंतु यदि तुम उसे मानते नहीं तो सुखी भी न हो सकोगे। ईश्वर का मानना इसलिए जरूर आवश्यक है क्योंकि आत्मा उसी ईश्वर की अंश जो सच्चा परमात्मा पिंड अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे है, जिसको सतलोक और अनाम पद है। बाकी सब मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके औजार हैं। यह सब सूरत की चैतन्यता से काम करते रहते हैं। दुख को मिटाने के लिए सर्वशक्तिवान संत पुरुष से अपना स्थायी संबंध करना होगा। वह हमारे कर्मों के नाश करने के लिए ज्ञान प्रकाश रूपी साबुन लेकर बैठे हैं। मुझे उसके पास तक पहुंचना चाहिए। हमारा धर्म असली यही है, परंतु जो साधन बाहर लोगों ने अपनी इंद्रियों के गिराने के बना रखे हैं, उनको देखकर आम जीव गिरते जाते हैं। और ईश्वर की सत्ता जो आनंद से पूर्ण है, उसका परित्याग करते जाते हैं। आत्म कल्याण कैसे होगा? मगनलाल शाह के मकान पर प्रेस रिपोर्टर, दो लेडीज और एक पुरुष आए और बहुत प्रकार के डिस्कशन किए। जन्म ऊपर क्या देह है, हर प्रकार की दलीलें दे और उन्हें कन्वेंस कर दिया। चौपाटी स्थान समुद्र के किनारे शहर बंबई में, तारीख 19 मई 1963 से सत्संग शुरू है। नगर के हर कौम के नर और नारियां आकर जगह जगह सत्संग सुनते हैं। बालू है और समुद्र का किनारा, उसी में स्त्री पुरुष आकर शर्म को खाते हुए बैठते हैं कि हमें यह कोई न कहे कि हम महात्माओं के सत्संग में बैठते हैं। परंतु कितने हजार तो सामने बैठते हैं और कितने हजार दूर बालू में बैठकर सुनते हैं। सत्संग सबको खींच रहा है, दिल में सबके असर हो रहा है और मन सबका महसूस करता है कि गलती के मार्ग पर हैं। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। जय गुरुदेव।